नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार में राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। महागठबंधन के नेता आपस में बयानबाजी करने लगे हैं। बयानबाजी बड़े भाई को लेकर के है। आइए सुनते हैं कि बिहार महागठबंधन के नेता बड़े भाई को लेकर क्या बयानबाजी कर रहे हैं। ये बीजेपी की हार है और लोगों का गुस्सा था इसलिए इजहार किया, और यहाँ भी गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ में है। जो आरजेडी बड़ी पार्टी है, आज भी हम 81 विधायक में एक हमारे विधायक की सदस्यता समाप्त हुई है, और यहाँ बड़े भाई की भूमिका में मैं हूँ ही। हर लोग मान रहा है कि यहाँ बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी है, और आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। देश स्तर पर भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। पूरे देश में गरीब तबाह हो गया है, बेरोजगार तबाह हो गया है, व्यापारी तबाह हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस आप पर अब हावी होगी? नहीं, कांग्रेस का हावी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में हम हैं, तो बड़ा भाई के सामने कोई बोलता नहीं है। भाई छोटे भाई किसने कहा? छोटे भाई कांग्रेस छोटा भाई कैसे हो सकता है? ये नेशनल पार्टी है, हमारे नेतृत्व में सरकार बननी है, तो छोटे भाई का क्या मतलब होता है? छोटे भाई विधानसभा का चुनाव हो रहा है क्या? देश का जो जनादेश मिला है वो 3 राज्यों में, वो किसको मिला? कांग्रेस को मिला है, और कांग्रेस नेशनल पार्टी है। तो इस तरह की बात को विवाद में लाना, मैं समझता हूं कि हास्यास्पद है इस तरह की बातों को करना। छोटे भाई और बड़े भाई, ये तो स्वतः स्पष्ट है कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बननी है लोकसभा में, विधानसभा का तो चुनाव है नहीं, इसलिए ऐसी बातों को तूल देना, मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात नहीं राजनीति में। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के बाद सरकार गठन की कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन बिहार में महागठबंधन के नेता, जो कांग्रेस और आरजेडी के जो नेता हैं, आपस में बयानबाजी शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होना बाकी है। इसी बीच में कांग्रेस और आरजेडी के नेता अपने आप को बड़े भाई साबित करने में लगे हुए हैं। अब देखना होगा आगे इस तरह की बयानबाजी और बढ़ती है या इसी पर थमती है।